ऑनलाइन स्टूडेंट्स, माय वॉइस इज कमिंग टू ऑल ऑफ यू? यस सर। देखो, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक, लिख लो पहले, डेटा मैनेजमेंट एंड एक्सेस। उसको कर लेंगे, पहले वो कर देते हैं, ठीक है। पहले प्रीवियस क्या क्या बचा हुआ था ये बताओ। बिजनेस टू बिजनेस कुछ लिखा है कि नहीं? अभी लिखिए। बिजनेस टू बिजनेस, हाँ, बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है समझ चुके हो आप लोग? कि एक कंपनी, एक इंडस्ट्री दूसरे बिजनेस के साथ, दूसरे बिजनेस हाउस के साथ अपने प्रोडक्ट की शेयरिंग को करे, प्रोडक्ट को सेल्स करे, रिसीव करे, बेचे और खरीदे, वो हुआ बिजनेस टू बिजनेस। लिखो। एग्जाम्पल है, वो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स है। बिजनेस टू बिजनेस क्या हुआ? बिजनेस टू बिजनेस लिखो। बिजनेस टू बिजनेस मीन्स, बिजनेस टू बिजनेस मीन्स बिजनेस टू बिजनेस मीन्स सेल्स एंड परचेज, सेल्स एंड परचेज, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, within WITHIN, within the organization, full stop. example, एक computer manufacturing company, example, एक computer manufacturing company note makes, नहीं लिख रहे हो? अच्छा, क्या बोले हम अभी? एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नोट मेकिंग ऑल कंपोनेंट्स इन कंपनी इट्सेल्फ स्टॉप। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी गिव्स ऑर्डर टू अदर कंपनीज, gives order to other companies to make the components. जैसे सुन लो आप लोग, जो प्रोसेसर लगा होता हर सिस्टम में, किस कंपनी का लगा देखते हो? गए इंटेल का। लेकिन ये पीसी किसका होता है? कोई डेल असल क्लास में हो गए कौन? हाँ, अभी भी देखे, अभी 5 मिनट पहले। जैसे इंटेल कंपनी, आज लैपटॉप किस किस कंपनी का आता है मार्केट में? आसू, लेनोवो, सब चीज का। देखिए, प्रोसेसर सारी कंपनी बनाती है सब, क्या प्रोसेसर हमको बना के देता है इंटेल? कौन? सैमसंग। सैमसंग मदरबोर्ड क्या डेल बना रही है? मदरबोर्ड भी दूसरी कंपनी ही बना के डेल दे रही है।
तो जब ये कंपोनेंट तैयार हुआ, कंप्यूटर सिस्टम एग्जिस्ट किया, तो उसमें क्या दूसरी की कंपनी का पार्ट्स लगा हुआ है कि नहीं? तो इस कंपनी ने उसको पैसा दिया होगा कि उसने फिल्म दे दिया होगा? तो इसे कहेंगे बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कार कंपनी होती है, या जो कार कंपनी जो टाटा है चाहे मारुति है, सारे कंपोनेंट अपने यहां नहीं बनाती है। हो सकता है व्हील्स किसका, एमआरएफ का यूज कर रही हो, सीएट का यूज कर रही हो, स्टेयरिंग किसी और का यूज कर रही हो, कंपोनेंट्स किसी और का यूज कर रही हो, तो वो फ्री में दे रहा है कंपोनेंट के पैसे दे रहा होगा सामने वाला कंपनी? तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस। अब सेकेंड बताओ क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर का ये मतलब हुआ, हमने टाटा के शोरूम पे गए, रिलायंस के शोरूम पे गए, डालमिया के शोरूम पे गए, हमने प्रोडक्ट कुछ उनसे परचेज किया, उनसे प्रोडक्ट परचेज किया कि भाई हमें ये चाहिए, हमें 100 पीस ये चाहिए या 200 पीस ये चाहिए। एसी के दुकान पर गया, मैंने कहा कि मुझे एसी खरीदना है। तो बिजनेस हुआ कौन, तो दुकान है जो होलसेल है या कंपनी है जहां से हमने परचेज किया, वो बिजनेस हाउस हुआ। और कंज्यूमर कौन हुए, हम लोग हुए। कौन हुए? हम लोग हुए। तो ये हुआ बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस कहां, इसमें कौन थर्ड बिजनेस है सामने? हम थोड़ी बिजनेस हाउस है। बिजनेस टाटा जब कंपनीज के बीच डील हो रही हो तब बिजनेस टू बिजनेस होता है, जब कंपनीज और कस्टमर के बीच डील है तो बिजनेस टू कस्टमर है। बताओ, फार्मर उस लेवल पे नहीं है। फार्मर को एक तरह से कहा जाएगा कि कंज्यूमर बोल दिया जाएगा यहाँ। हाँ, बहुत मतलब बड़ा ले रहा है, जैसे उसने मान लिया टाटा कंपनी को या रिलायंस कंपनी को अगर प्रोडक्ट में हजारों लाखों टन की जरूरत है, अगर वो पूरा एक व्यक्ति कर देता है, बिजनेस टू बिजनेस होगा, लेकिन उस लेवल पे इसे माना नहीं जाएगा, अभी नहीं माना जाता इसे। वो बहुत हाई लेवल का वो प्रोडक्शन तो कर रहा है, जैसे लेकिन एक लार्ज अमाउंट में बस रनिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। वो बताओ इसे बिजनेस का नहीं, कैसे बताओ? जैसे ऑर्गेनिक फार्म कर रहे हैं तो डायरेक्ट आउट ऑफ इंडिया भी सेल उस स्तर पे हम बोल सकते हैं। जब वो बिग लेवल पे कर रहा है, डायरेक्ट डील कर रहा है, लेकिन छोटे किसान कहाँ से बिजनेस को डील कर लेंगे, डायरेक्ट रिलायंस को कहाँ दे पाएंगे? एक्सेप्शन तो हर जगह होता है बिजनेस टू बिजनेस में, बिजनेस टू बिजनेस में नहीं होता है। अगर मान लीजिए, सुन लो, सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा दूध का प्लांट है, बहुत मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो मेरा रिलेटिव हो गया, मुझसे जान पहचान है, मेरे पास 10 गाय है, हम चाहेंगे उसको दूध नहीं दे देंगे, मेरा अगर जानकार ले लेगा, लेकिन हर आदमी से वो नहीं। आप हम जैसे आज बता दो अमिताभ बच्चन हैं या सचिन, उनके जो रिलेटिव होंगे उनके लिए अमिताभ बच्चन एक नॉर्मल व्यक्ति होंगे, लेकिन हमारे तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएंगे। तभी बिजनेस टू बिजनेस में भी ही है। जैसे आज आपको किसी से मिलना है, जैसे आज आपको कितने भी हाई प्रोफाइल लोग से मिलना है, जैसे कितने बड़े डॉक्टर से इंजीनियर से जो उनका जानकार है, उसके लिए वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है कि नहीं? हम आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाते हैं। तो जब किसान एक किसान का छोटे लेवल पे बना रहा है, अगर वही किसान इतना प्रोडक्शन कर दे तो उसको डायरेक्ट बिजनेस हाउसेज परचेज करें, उस किसान से पार्टिकुलर बिजनेस हाउसेज, वो बेचेगा फिर छोटे अड़हतिया को, छोटा अड़हतिया बड़ा अड़हतिया को, कितना बीच में चैनल फंस जाता है। लेकिन कार कंपनी अपना या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डेल कंपनी है, कंप्यूटर बना रहा है, ये मदरबोर्ड लेगा, रैम लेगा, प्रोसेसर लेगा, डायरेक्ट डेल से लेगा कि बीच में किसी से लेगा? डायरेक्ट लेगा ना सर। लेकिन जैसे कि बात कर अमूल कंपनी का, और उन लोग जो है कि उस जिस रीजन में वो लोग खरीदते हैं दूध, सर गुजरात का वो रीजन है, तो वो एरिया ही पूरा डेवलप हो गया है, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट जो है मिल्कमैन से दूध लेता था, तो अब वो बिजनेस टू बिजनेस कैसे निकलना है? डायरेक्ट मिल्कमैन से, मिल्कमैन डायरेक्ट नहीं देता, होता क्या है लोग इकट्ठा करके, एक पार्टिकुलर व्यक्ति देता है, एक पार्टिकुलर व्यक्ति देता है, लेकिन वही जब चीज हाई लेवल पे हो जाएगी तो बिजनेस टू बिजनेस क्यों नहीं? कन्वर्ट चीज कैसे कन्वर्ट होती है, इसी को तो हम आगे जाके बोल सकते हैं कि हाँ वो हाउसेज या बिजनेस हाउसेज हो गया। मान लीजिए कोई किसान है, वो 10,000 बीघे की खेती कर रहा है, तो बिजनेस टू बिजनेस होगा, क्योंकि डायरेक्ट बिजनेसमैन को डायरेक्ट दे सकता है, मेरे पास इतनी फसल है। लेकिन अब जो लोग छोटे लेवल पर, वहां तो कंज्यूमर कहला जाएंगे ना, जब वही चीज बड़ा हो जाएगा। आप क्रिकेट एक
गांव लेवल पे खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कंट्री लेवल पे, कंट्री लेवल वाला चीज अलग हो जाती है। गांव लेवल बेचारा वो अच्छा टैलेंटेड लाख हो लेकिन उसे रिकॉग्निशन नहीं मिलती। मिलती है, लेकिन जब वही स्टेट लेवल पे कंट्री लेवल पे आ जाता है उस बंदे की पूछ बढ़ जाती है। तो बिजनेस में भी सिंपल से ही बात है, और नहीं क्यों, बहुत कुछ अलग चीज है। आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू आपके हिसाब से, समय के हिसाब से बढ़ती जाती है और घटती जाती है। तो बिजनेस कंज्यूमर क्या बता रहे थे अभी हम, बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब हम कंज्यूमर है, वी ऑल आर कंज्यूमर। हम गए कुछ परचेज किए मार्केट से, तो वी आर कंज्यूमर टू बिजनेस, मतलब बिजनेस से हमने कुछ लिया। बिजनेस टू कंज्यूमर है कि कंज्यूमर टू बिजनेस है? बिजनेस टू कंज्यूमर है। तो हमने बिजनेस हाउसेस से, मैंने गया टाटा के शोरूम में गाड़ी खरीद ली, अलंकार ज्वेलर्स में गया गोल्ड मैंने लिया, तो अलंकार ज्वेलर्स बिजनेस हाउस है, रिनाउंड है, दुनिया जानती है। तो और हम लोग क्या है, एक कस्टमर हुए। तो वहां बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर हुआ। तो जो जिस बिजनेस हाउस से हमें फायदा मिला, मतलब जिससे हमने ट्रांजेक्शन किया, दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे SBI क्या होगा, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुन लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमने पैसे निकाले तो वो होगा बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। लेकिन स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक आपस में लेन देन किया 1,000-2,000 करोड़ का, वहां भी ट्रांजेक्शन ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि ट्रांजेक्शन अलग हो रहा है, बहुत जगह ट्रांजेक्शन हो रहा है, यहाँ चीजें बदल गई वहां चीजें अलग हो गई। तो बिजनेस टू कंज्यूमर क्लियर हो गया कि बिजनेस हाउसेस से जब कस्टमर कोई चीज परचेज करे, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। और बताओ, ठंड लग रही है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर का सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है OLX, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को बेचना। या आपने मान लिया कहीं से खरीद के कुछ लाया OLX, ओला बताता हूँ, शिफ्टिंग साइट। अब सुनो, C2C का बेस्ट एग्जांपल आज भी पॉपुलर बोला जाता है, कहीं भी जब C2C की चर्चा चलती है तो बोलते हैं OLX ही बोलते हैं। ओला कैसे बताओ, तुम समझाओ हमें। ओला कंपनी में खुद का एक भी गाड़ी नहीं, वो सब जैसे आप जैसे किसी का कंपनी मालिक नहीं है, ओला कंपनी का मालिक नहीं है, कंपनी में सर रजिस्टर करता है, गाड़ी रजिस्टर कर दे, आप गाड़ी चला रहे हैं, फिर हम जाके वो आते हैं, हम आपके यहाँ पे गाड़ी डाल सकते हैं, अपना गाड़ी डालता है, फिर आपको ये आता है सर्विस प्रोवाइडर है, गुड्स थोड़ी है, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, ओला कस्टमर से कार्ड को लेती है, अपने अपने चैनल से उसको बिजनेस देती है, लेकिन उसने एक पॉलिसी है, वो प्राइवेट नंबर गाड़ी नहीं लेता, कमर्शियल नंबर गाड़ी लेता है। वो तो बिजनेस करो तो भाई वही मान लो, तो प्राइवेट नंबर तो कॉमन है, तो बुकिंग तुम्हारा वही है, ओला में भाई वो गाड़ी लेता है तो प्राइवेट नंबर, व्हाइट नंबर नहीं, येलो नंबर था, सुना तुम प्राइवेट नंबर गाड़ी लो ना, ओला में डालो तो ही नहीं। हाँ, तो C2C का मतलब मैं समझो, उससे तो डिस्कशन हर चीज में बहुत हो जाता है। C2C तुम लोग PG कर रहे हो ना, C2C में मेन कस्टमर टू कस्टमर। जैसे हमको गुड्स को बेचना है, वी हैव टू सेल्स सेकेंड हैंड गुड्स, फर्स्ट हैंड गुड्स तो कोई बेचता नहीं है, कोई बेचता है? जब तक वो पुराना ना हो जाए या कुछ उसका हम उपयोग ना कर दे तब तक लिख सकते हो इन C2C, लिख लीजिए इन लिखिए इन बिजनेस टू कंज्यूमर, इन बिजनेस टू कंज्यूमर प्रोसेस, इन बिजनेस टू कंज्यूमर प्रोसेस कंज्यूमर परचेजेज, इन द बिजनेस टू कंज्यूमर प्रोसेसेज कंज्यूमर परचेजेज गुड्स फ्रॉम द गुड्स फ्रॉम द
बिजनेस गुड्स फ्रॉम द बिजनेस हाउसेज, बिजनेस हाउसेज लाइक लाइक एल आई के लाइक आई बाय ए कार, आई बाय ए कार फ्रॉम टाटा मोटर्स या टाटा शोरूम, और मारुति सुजुकी जो लिखना है तुम्हें सही लगे। थर्ड हो गया सी टू सी, सी टू सी का फुल फॉर्म हो गया कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जो लिखना लिखो। दोनों हो गया, कस्टमर टू कस्टमर भी हो गया और कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी हो गया। देखिए इन सी टू सी प्रोसेस, इन सी टू सी प्रोसेस कस्टम सेलर एंड परचेजर, इन सी टू सी प्रोसेस सेलर एंड परचेजर बोथ आर कस्टमर, बोथ आर कस्टमर, सही बात है कि नहीं है? खरीदने वाला भी कस्टमर है, बेचने वाला भी कस्टमर है, इसे तो बिजनेस हाउस बीच में एंट्री नहीं लेगा। लाइक लाइक सुनीता सोल्ड हिज सोफा, सुनीता सोल्ड हर सोफा टू पूनम सुनीता सोल्ड हर सोफा टू पूनम फुल स्टॉप इन सी टू सी प्रोसेस कंज्यूमर इज बॉस, अपने सामान का सब बॉस होता है। कंज्यूमर इज बॉस थ्रू आउट ऑल द प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं अपन लोग की सेल भी करते हैं और परचेज भी करते हैं, कंपनी का इन्वॉल्वमेंट दूर दूर तक, द कंपनी डज नॉट इन्वॉल्व एट एनी प्लेस। इसमें जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, देखिए एग्जांपल ओएलएक्स, और बताओ एक नाम और तो मैं भूल रहा हूँ, क्विकर भी है, ओएलएक्स क्विकर ETC, ठीक है। हाँ अब हो गया, ऐसे फोटो नहीं खींच के दिखाता है कि आप सोफा तक घूम रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, फोटो खिंचा रहा है, पैसा गिन लेता है तो फटाफट है। अब है डेटाबेस, अब बातचीत नहीं कीजिए प्लीज। C2B, ठीक है। C2B का मतलब कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस कैसे होगा? जैसे हम लोग यूज्ड प्रोडक्ट्स, जैसे हम लोग कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, बोतल सीसी पुराना टीवी घर का जो भी सामान है जो पुराना हो अनयूज्ड हो उसको हम बेच देते हैं, पेपर अपना न्यूज़पेपर जो घर में जब है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। जैसे अपना आप पेपर घर का बेच देते हैं कि नहीं, कबाड़ जब दीपावली का टाइम होता है उससे पहले लोग जो भी लोहा लक्कड़ अनयूज जो भी चीज है जिसका यूज हो चुका है उसको हम लोग बेच देते हैं। देखिए
पेपर सब लोग बेचते हैं। देखिए इन कस्टमर टू बिजनेस प्रोसेस we sold our old product and unused product. To business persons. जैसे आप देखते होंगे कोल्ड ड्रिंक की बोतल हम लोग पीते हैं, उसको रख देते हैं, वो भी बंदा ले जाता है, एक रुपया दो रुपया जो भी है, क्यों उसको वापस कंपनी में ले जाके उसको साफ करा के फिर मार्केट में उसको वापस लॉन्च कर दिया जाता है। और जो भी आपका कबाड़ बर्तन होता है, जो भी स्टील का एल्यूमिनियम का, हम लोग कहते हैं कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, पैसा ले लिए, नहीं तो कुछ सामान ले लेते हैं, लेते हैं कि नहीं। ये छोटी चीजें हैं लेकिन कस्टमर टू बिजनेस, फिर वही कबाड़ वाला 10 जगह इकट्ठा करके फिर ट्रक भर के पहुंचा देता है दूर तक, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में, वो कहलाता है कस्टमर टू बिजनेस। ठीक है, अब डेटाबेस पढ़ना है अपन लोग को। अब क्या बच गया? गवर्नमेंट टू लिखवाए थे हम, जानना चाह रहे थे। अच्छा, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो चीजें प्रोवाइड कर रही है सिटीजन को किसी न किसी रूप में, चाहे गवर्नमेंट आज सिटीजन को जो ये कोरोना काल में आपको मिल रहा है गवर्नमेंट टू, जैसे कोरोना का वैक्सीन मिल रहा है, वी आर गेटिंग फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट, सब लोग को मिल रहा है, एक भारतीय को मिल रहा है, तो क्या गवर्नमेंट ने ही तो प्रोवाइड किया, लिख सकते हो, लिख लो जी टू सी। क्या इसमें 80,000 करोड़ रुपया लगा, बताते हैं इसको करने में, तो गवर्नमेंट जब 80,000 करोड़ पे करेगी उस लैब को, तो 80,000 करोड़ गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल से बढ़ा के ले रही है कि नहीं हमसे? टमाटर से तो नहीं मिलता होगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट की जब मनसा ही कमाने पे आ जाए तो क्या कर दीजिएगा आप? क्या तो गवर्नमेंट ने बहुत करीब 59 देशों को भेजा है भारत ने वैक्सीन, 59 या 58 देश को भेजा है, करीब बहुत डोज भेज दिया है, क्योंकि ये इंडियन वैक्सीन सबसे ज्यादा ये यूजफुल है। अब देखो अब जी टू सी में लिख लो, इन जी टू गवर्नमेंट टू कंज्यूमर प्रोसेस, इन गवर्नमेंट टू कंज्यूमर प्रोसेसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड्स Products and services to the consumers. Example. राशन कार्ड हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल मिलता है, किसको मिलता है? अल्टीमेटली तो पीपल आर गेटिंग, राशनिंग कार्ड, कोरोना वैक्सीन और पोलियो का वैक्सीन, वो लोग गवर्नमेंट से मिल रहा है ना हमें। तो यानी गवर्नमेंट जो चार्ज करती है वो इनडायरेक्ट रूप से चार्ज करती है, और चार्ज बहुत कड़ा करती है। पहले महंगाई इतनी होती थी कभी? सबसे सस्ता हुआ था 2017 में। चलो हटाओ, अब देखो टॉपिक डेटा मैनेजमेंट एंड एक्सेस। डेटा मैनेजमेंट एंड एक्सेस, आप लोगों में बीसीए बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत कोई है? कौन है?
तुम हो। तो बीसीए में आप लोगों ने ओरेकल पढ़ा था? बीबीए बोला ना, बीसीए कोई नहीं है। तो डेटा मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय, जैसे डेटा मैनेजमेंट की बात की, डेटा मैनेजमेंट है क्या चीज? डेटा मैनेजमेंट जैसे आप लोग उससे समझ जाओगे, कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो सारे बच्चे, जब सबमिट बटन दबाते हो, सबमिट बटन दबाते हो तो डेटा कहीं जाता है, डेटा गो टू स्टोर समवेयर, कहीं जाके वो रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा मैनेजमेंट का मतलब हाउ टू मैनेज द डेटा, हाउ टू मैनेज द डेटा। जैसे आपको एक हिंट और दे रहे हैं, जैसे आपको आईडी मिलती है, जब एग्जाम आप देते हो तो आपको आईडी जनरेट किया जाता है, रोल नंबर जनरेट किया जाता है। रोल नंबर क्या करता है आपके लिए? गेट के बाहर लगा देता है रोल नंबर 101 सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, रूम नंबर 2C1C, उससे क्या फायदा होता है? तो यही है डेटा मैनेजमेंट, की डेटा को कैसे मैनेज करें, डेटा को कैसे हम लोग मैनेज करें। तो डेटा, आप आज सोचो कि फेसबुक आज डेटा, सबसे ज्यादा डेटा मैनेजमेंट की जरूरत क्यों आप पड़ी आज? व्हाई वी नीड द नीड फॉर डेटा मैनेजमेंट? टेक्नोलॉजी इज द बिग रीजन, बिकॉज एवरी वर्क पीपल डू, एवरी वर्क यू नो, मोबाइल, लैपटॉप, इवन शॉपिंग, ट्रांसफर मनी, इवन इफ पीपल इन फॉर्म और एक्सेट्रा, एवरी वर्क डूइंग योर मोबाइल और लैपटॉप, दैट्स व्हाई वी नीड डेटा मैनेजमेंट। अब मैं बताता हूं आज डेटा कितना ज्यादा पॉपुलेट हो रहा है, पॉपुलेट मतलब पता होगा, जनरेट हो रहा है। आज आप सोचो, आज जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा दुनिया में, वो डेटा के चक्कर में हो जाएगा, पानी के चक्कर में हो ना हो, डेटा के चक्कर में हो जाएगा। इसलिए क्यों डेटा आज फेसबुक पे, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा समझो, समझ में आ जाएगा। फेसबुक पे एक कमेंट आता है या एक इमेज जनरेट होता है, कितने लोग उसको शेयर करते हैं या लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, बताओ। मान लीजिए तुम्हारा नाम क्या है, क्या नाम है? सोनाली। सोनाली ने एक इमेज, वन इमेज को डाला, फेसबुक पेज पे डाला, एक इमेज पे डाला, कुछ भी डाला, सोनाली के साथ मान लीजिए 20 बच्चे जुड़े हुए हैं, 20 पीपल आर शेयर्ड विद सोनाली, 20 पीपल आर शेयर्ड विद, 20 पीपल ने सोनाली के इमेज को देखा, देखा? Yes. 20 में मान लीजिए 10 पीपल ही हैं जो इसके, 10 पीपल ने क्या किया, शेयरिंग कर दी इमेज को, 20 में 10 ही किया, 10 ने नहीं किया, 10 पीपल ने क्या कर दिया, शेयर कर दिया। उसके बाद 7 पीपल ऐसे हुए जिसने कमेंट लिख दिया, लिख सकता है, 3 पीपल ऐसे हुए, 3 पीपल ऐसे हुए जो लाइक बटन को दबा दिए। सोनाली के कितने फ्रेंड? 20। सोनाली ने एक इमेज प्रस्तुत किया है, केवल एक इमेज डाला है फेसबुक के अंदर, 10 लोगों ने क्या किया, इन 10 लोगों के मान लीजिए 15 दोस्त हुए, 15 लोग के, तो कितना लोग ने किया फिर, 150 लोग हो गए, 150 लोग ने फिर इमेज को देखा, 150 में अगर 80 लोग ही इसको शेयर कर गए, अब फिर ऐसे जुड़ते चला जाता है डेटा, ऐसा नहीं कहा 80 का और 80 या 70, तो एक इमेज कितना, एक इमेज मोर देन 25,000 से ज्यादा जगह पहुंच जाती है, 25,000 ऐसा आंकड़ा निकाला गया। एक 3 बच्चों ने लाइक किया, 3 फ्रेंड ने उसका लाइक किया, ये पहुंच जाता है 6,000-7,000 के राउंड लाइक, जब उस एंड तक चले जाएगा, अंतिम एंड तक जाएगा, उस फ्रेंड के एंड तक, उसके बाद
कमेंट लगभग 500-700 हो गया, सब लोगों ने किया, इसके फ्रेंड फिर उसके फ्रेंड फिर उसके फ्रेंड, कमेंट आप ही करके नहीं रुक जाते हैं, थैंक यू सर, वेलकम सर, फलना सर, चिलना सर, होता ही नहीं। तो आप सोचो एक नहीं, एक इमेज अगर 10 MB का इमेज है, अब ये कितना स्पेस ले लिया, इंटरनेट पे स्पेस ले रहा है, वेब में स्पेस लिए जा रहा है। आपका इमेज 10 MB का था, कितना स्पेस ले चुका लगभग 250 GB, मतलब 2-3 GB जरूर जगह ले लिया उसने, 2-3 GB उसने स्पेस वेब में जाके ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि उसमें कमेंट भी है और लाइक भी है। और आप जानेंगे कि जब इतना चीज हो गया, इतना डेटा उसने पॉपुलेट कर दिया, फेसबुक का एक मामूली सा पेज, और आप देखेंगे फेसबुक का कभी कभी होता है कि वीडियो भी शेयरिंग हो जाती है, वीडियो ज्यादा मेमोरी लेता है, मालूम होना चाहिए आपको, वीडियो ज्यादा रिसोर्स लेता है। आप सोचिए तो उसमें उसने हार्ड डिस्क में कितना जगह ऑक्यूपाई किया, उसने वेब सर्वर पे कितना जगह ऑक्यूपाई किया एक मैसेज, उसने क्लाउड में कितना जगह स्पेस किया, उसने डेटाबेस जहां से वो इमेज को जनरेट किया गया उसने डेटाबेस में कितनी जगह ले ली। आप सब जोड़ लोगे तो काफी ज्यादा होता है। और मान लीजिए इस बच्ची ने इमेज को शेयरिंग की, अगर इसने भी देखा, उसने भी देखा, सब लोगों ने देखा, तो इमेज डिस्ट्रॉय नहीं होती है। फेसबुक का पे देखा होगा कि आप जानना चाहोगे कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, व्हेन वाज यू आर अ स्टूडेंट, उस समय इमेज कैसा था, तो आपको मिल जाएगी चीजें, मिलती है कि नहीं, पुरानी से पुरानी चीजें मिल जाती है। तो आपका डेटाबेस सोचिए, फेसबुक का डेटाबेस कितना बड़ा हो गया होगा आज के डेट में, मिलियंस टू बिलियंस लोग इससे जुड़े हुए हैं, ना कि हम आप जुड़े हुए हैं। तो उतना बड़ा डेटा को संभालना, क्या मैनेज करना, क्या हंसी खेल है क्या? तो उसी को डेटा को मैनेजमेंट करना, कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे हम मैनेज करेंगे। आज कंसेप्ट जो हो गया है डेटा का, क्लाउड के थ्रू हम लोग मैनेज कर रहे हैं। क्लाउड समझते हो? बताओ। क्लाउड स्टोरेज है क्या चीज? और आप लोग गूगल स्टोरेज वो चीज होता है, जैसे हम लोग चीजें रखते हैं उसको बोलते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस गूगल तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्निक है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए टर्मिनोलॉजी थ्रू विच वी कैन टेक रेंट, वी कैन टेक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ऑन रेंट, हम खरीदते नहीं है। आप सोचो कितना हार्ड डिस्क, आज फेसबुक कहे कि हम हार्ड डिस्क लगाएंगे, कितना वो बड़ा बड़ा स्टोरेज लगाएगा, ताकि उसका दोस्तों हजारों जीबी का डेटा पॉपुलेट हो रहा है, प्रत्येक दिन हो रहा है, प्रत्येक घंटे हो रहा है, कितना वो हार्ड डिस्क लगा पाएगा अपने ऑफिस में? संभव है? फेसबुक पे हर आदमी कमेंट मार देता है, कभी कोई लाइक कर दिया, कोई कमेंट कर दिया, कोई शेयर कर दिया। लाइक तो लोग कर ही देते हैं, कमेंट और शेयर करने में थोड़ा सा मेहनत करने से बचते हैं लोग, लेकिन लाइक तो कर ही देते हैं। तो लाइक आप लाइक करते हो, और जब बाद में देखोगे तो पता चल जाएगा किन किन लोगों ने लाइक किया है। तो डेटा स्टोर है तब ना, डेटा अगर वहां से उड़ा दिया जाए तो दिखेगा फिर? फिर फेसबुक की वैल्यू खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर ठीक है लाइक का डेटा उड़ा दे, कमेंट का उड़ा दे, शेयरिंग उड़ जाए आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, तो उसका वैल्यू रहेगा? व्हाट्सएप में ये प्रॉब्लम है कि आप डेटा अगर बहुत दिन तक नहीं खोले तो फिर डेटा खुलता ही नहीं है, लेकिन फेसबुक में चीजें नहीं है। फेसबुक में चीज है तो है। तो इस सबको संभालने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत हो रही है, क्लाउड स्टोरेज की जरूरत हो रही है, कि हम रेंट पे, जैसे आज के डेट में आप लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन सामान गए ऑर्डर की और सामान हम परचेज कर लिए, तो क्लाउड कंसेप्ट क्या है कि वी आर डूइंग ऑल थिंग्स थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस, वी आर डूइंग ऑल थिंग्स थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस। हमने कहा क्लाउड कंप्यूटिंग की 5 कंपनियां मेन है दुनिया में, अमेजन, गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अल्टाविस्टा, एक और 98 सेल्स फोर्स, ये सब 5-6 कंपनी है जो क्लाउड प्रोवाइड करती है। वो काम क्या करती है, क्लाउड इंजीनियर का जॉब मैनेजमेंट के बच्चे बहुत कर रहे हैं आज के डेट में। वो क्या करती कंपनी कि फेसबुक से मैंने लिंक बना लिया, डेवलप कर लिया कि भाई आपको रोज मैं 200 GB देता जाऊंगा,
2000 GB स्पेस में क्लाउड में आपको डेली दूंगा, तो लेकिन हम उसका प्रत्येक दिन किराया लेंगे, मंथली किराया लेंगे 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया। जब स्पेस देंगे तो पैसा तो लेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट का पैसा तो हम लेंगे। इसी तरह फेसबुक वगैरह कंपनियां ने अमेजन से क्लाउड स्पेस ले रखा है, माइक्रोसॉफ्ट से ले रखा है, गूगल से ले रखा है, अपना भी बहुत बड़ा बनाया है, लेकिन उतना में भी डेटा इसका समा नहीं पा रहा है। आपको मैंने बताया ना कि एक सोनाली ने एक फोटो किया और कहां तक डेटा पहुंच गया। हम लोग को लगता है कि यार हमने तो किया कुछ नहीं, बिगड़ा कर दिया, टिक मार दिया, कमेंट मार दिया, लेकिन वो डेटा एकदम हम किए, फिर 10 हमारे साथ वाले किए, फिर 20 उसके साथ, फिर 20 उसके साथ। जैसे गांव में तुम लोग सुने होंगे कि कोई प्राइवेट बात हम लोग करते हैं तो कहते हैं कि किसी और को मत बताना, फिर उसका भी एक दोस्त होता है, वो कहता है उसको मत बताना, फिर उसका भी एक दोस्त होता है, कहता है उसको मत बताना, शाम तक बात पूरे गांव में शहर में फैल गई कि फलना के साथ ऐसे हो गया। लोग कहते हैं कि तुम उसको मत बताना, हम सोचते हैं तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम्हारा भी एक अच्छा दोस्त है, फिर उसका भी एक अच्छा दोस्त है, फिर उसका भी एक अच्छा दोस्त, बात फैल गई। आप सोचे मैंने तो इसको बताया था केवल, वो तो पूरा मोहल्ला गांव जान गया। वही डेटाबेस में हो रहा है प्रॉब्लम। तो फेसबुक जैसी कंपनी, जीमेल आप सोचते होंगे कि जीमेल पे हम लोग कितना मेल संभाल के रखते हैं, जीमेल से कितना हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो जीमेल को भी क्लाउड की जरूरत है आज के डेट में। IRCTC आप कि भारतीय रेलवे का जो सेंटर है, डेटा सेंटर जहां टिकट बनता है, उसने क्लाउड पे स्पेस ले रखा है, क्योंकि IRCTC डेटा बहुत पुराना, अप टू जब से कंप्यूटर का जमाना आ गया, IRCTC के पास आई थिंक 35-36 साल का डेटा है, जो लोग टिकट लेके चल रहे हैं जब से ऑनलाइन हो रहा है रिजर्वेशन, क्यों रखे हुए हैं। कल कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कहीं कोई विस्फोट हो जाता, कहीं कुछ ऐसी घटना घट जाती, कहीं रेलवे क्रैश कर जाता, तो डेटा निकाल के कहा पता चल जाता कि आदमी ने टिकट कहां से लिया था, ये आदमी टिकट कहां से लिया था जिसने ये घटना घटाई, अब आज पता चल जाता है। क्योंकि डेटाबेस में अगर नाम नहीं होगा, नेम नहीं होगा, तो चीजें पता कभी चलेगी। तो ये है डेटाबेस। क्लाउड में रखे हुए हैं, कल हमने क्लेम कर क्लेम नहीं, हमेशा नहीं, एक समय के बाद, मतलब 40-45 साल जब देखेगा कि आदमी अब नहीं है तो हट जाएगा। बिल्कुल देता है, जैसे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, सुनो हम लोग गूगल ने हमको भी दिया है 15 GB जीमेल के लिए, आप सारे बच्चों को दिया होगा, लेकिन जैसे कॉलेज हमारा यूज करता है, simage.in ने क्या किया है, उस गूगल के क्लाउड से कुछ स्पेस लिया है कि हम अपना ईमेल आईडी सब लोगों को देंगे, simage.in करके मिला होगा आप लोगों को। तो इनको पैसा देना पड़ता है गूगल को। 15 GB तो हमारा है कि 15 GB किसी का नहीं भरता, लेकिन जब कॉलेज चल रहा है, हजारों बच्चे स्टाफ हैं, तो क्या 15 GB में काम चल जाता होगा। तो दे आर पेइंग टू गूगल, गूगल प्लेज रोल एज ए क्लाउड, गूगल प्लेज रोल एज ए क्लाउड कि भाई हम आपको एक साल का 2000 GB दे देते हैं या 3000 GB हम स्पेस आपको देते हैं, हम उसका 2 लाख रुपया साल में चार्ज करेंगे या 1 लाख रुपया साल में हम आपसे लेंगे। आप सोचते हो गूगल का खर्च कैसे चलता है, इसी सबसे चलता है गूगल। क्लाउड से इन्फोसिस ने ले लिए 1 लाख के लोगों के लिए, TCS ने ले लिए 2 लाख लोग के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ने ली 4 लाख, जिसके पास नहीं है, बहुत सारी बहुत कम कंपनी का अपना है, अधिकतर कंपनी तो लेती ही है, तो गूगल को पेमेंट करती है, क्या करती है गूगल को पेमेंट करती है, इस तरह गूगल चलता है। तो फेसबुक तो गूगल क्लाउड छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है, क्लाउड में मैनेजमेंट के बच्चे जाके झंडा गाड़े हुए हैं आज के डेट में, क्योंकि जो डील आप कर लोगे सामने वाले क्लाइंट से, वो IT का बच्चा उतना अच्छा से नहीं कर पाएगा। आप मान लो कहोगे भाई हम 500 GB जैसे इन्हें दे दूंगा मैं, इसका 1 लाख रुपया किराया लूंगा, मैं आपको हार्ड डिस्क कितना प्रोवाइड कर दूंगा, मैं इसका किराया इतना लूंगा, इतने घंटे के लिए दोगे तो इतना लूंगा, इतने मिनट के लिए, क्लाउड में घंटा तक का पैसा दिया जाता है कि अगर हम आपका सर्वर को 1 घंटा यूज करेंगे तो कितना, 2 घंटा तो कितना, 4 घंटा तो कितना, 20 घंटा तो कितना। तो लेकिन फेसबुक वगैरह कंपनी को तो हर घंटे डेटा इतना होना है कि उसको कोई चारा है नहीं। फेसबुक कंपनियां सबसे बड़ा डेटा सेंटर आज फेसबुक के पास है, IRCTC जो भारत के टिकट सिस्टम, वो भी top 10 में है डेटा रखने। अब बिना क्लाउड का काम कैसे चले, सर्वर आपका संभाल पाएगा। आपको पता है कि स्टेट बैंक का बॉम्बे में 2 बना हुआ है डेटा सेंटर, जो 6-7 फ्लोर नीचे है, 7-8 फ्लोर ऊपर है, केवल डेटा रखा हुआ है सारे कंप्यूटर में, वहां डेटा संभालते हैं लोग, बस
वहाँ डेटा सेंटर बने हुए हैं, मतलब तो वहाँ 4,000 या 5,000 पीसी रखा हुआ डेटा संभालने के लिए। नहीं, जैसे बताते हैं, जैसे आपका अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक पटना में, आपने डेटा बनाया, आपका आपने अकाउंट खोले, आपने डेटा अपलोड किया, ठीक है, मान लिया भूकंप आया और वो ब्रांच कॉलेप्स कर गया, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, प्रकृति के सामने कुछ नहीं चलता किसी का। आप चले गए कि भाई मेरा तो 10 करोड़ था बैंक में, आप बैंक पे केस कर दिए कि मेरा तो 10 करोड़ रुपया इस बैंक में था, मुझे दो, एक से एक धुरंधर है दुनिया में। तो बैंक वहां बॉम्बे वाले सेंटर से पता करेगा कि हाँ इसके अकाउंट पे कितना है इस बंदे के, तो दिखेगा कि तो 1 लाख ये 10 करोड़ का बहाना बना रहा है, तो आपको 1 लाख मिलेगा, 10 करोड़ आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो भी काम होता है सब शाम के शाम अपलोड हो जाता है डेटा सेंटर में, हर शाम डेटा शुड बी अपलोडेड टू द डेटा सेंटर ऑफ बॉम्बे, जिसका जहां डेटा सेंटर है हर बैंक का, है दो डेटा सेंटर होता है हर चीज का, अब दोनों कर जाए तब तो अब दुनिया पलट जाए, क्या होगा। अब उतना तो अब इसका कोई इलाज है, फिर कोरोना ऐसा हो जाए भारतीय समाप्त हो जाए तब तो फिर आदमी पॉजिटिव। अब इतना तो दो दो सेंटर है, दो दो सिटी में होता है, किसी का दो सेंटर है तो कलकत्ता होता है, दिल्ली होता, दोनों जगह भूकंप आ जाए तो फिर क्या करेगा आदमी भी। तो ये सब चीजें होती है, तो डेटाबेस बहुत क्रूशियल चीज है डेटाबेस पे, और तुम लोग के लिए क्लाउड व्लाउड इतना अच्छा फीचर्स हो सकता है, आगे चल के थोड़ा सा इंग्लिश इंप्रूव कर लिए, क्लाउड वगैरह में जॉब ही जॉब हो सकता है, मैनेजमेंट स्किल के जितना जिसका अच्छा रहेगा उतना आगे बढ़ जाएगा बच्चा, जो जितना अच्छा बार्गेन करेगा सामने वाले से कि भाई आप आपको ये देंगे वो देंगे, सिंपल सी बात है, बार्गेनिंग इज द की रूट। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम, लो अटेंडेंस जैसे क्लास के सारे बच्चे बच्चियों का लो, तो हम पहले लिखो ना, हम अटेंडेंस बनाएंगे, ऑनलाइन लिंक आ गया मेरे पास, फोटो खींचो, फोटो खींचो, सारे बच्चे रुकना तो थोड़ा 2 मिनट ले लिए, बैठो ले लियो ना। हाँ, तुम लोग आकृति, नैन्सी, क्या नाम है, अमृता, रोहित और अमृत, और रोहित, आयुषी, आशी, ओसी, कौन है ओसी? नो सर, ओसी नहीं, आयुषी जो है वो खुद अपना आयुषी बोल रही, तुम ओसी बोल रही, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, अब क्लास कोई प्रॉब्लम नहीं ना आप लोग को, है ठीक है, मीटिंग, नो सर, क्या, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, आई एम एंडिंग द मीटिंग।